वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं गौरव फिटनेस फ्रीक। एंड गाइस, आज हमने आपके साथ शेयर किया कंप्लीट शोल्डर वर्कआउट फॉर इंटरमीडिएट एंड एडवांस। इट्स वीक नंबर 1 एंड डे नंबर 3। सो फर्दर नो डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। बी स्ट्रांग टू होल्ड द पावर्स ऑफ द सन। सो गाइस, सबसे पहले हम कर रहे हैं स्ट्रेचिंग एंड वार्म अप। आज शोल्डर का वर्कआउट है तो हम शोल्डर को अच्छे से रोटेट करेंगे गाइस। ये देखिए, क्लॉकवाइज देन एंटी क्लॉकवाइज हम कर रहे हैं अब। ये देखिए गाइस, हाथों को अच्छे से फैला के पूरा रोटेट करना है आपको। ये देखिए गाइस, ये गाइस देखिए, अब हम डंबल प्रेस लगाते हैं ना गाइस शोल्डर के लिए, खाली बिना वेट के कर रहे हैं हम। ये देखिए गाइस, अच्छे से करना है। अब अपना ट्विस्ट करेंगे गाइस ऊपर से, सिर्फ फोर आर्म्स को गाइस। ये देखिए, जो हमारा शोल्डर काफ है ना गाइस, पूरा अच्छे से जो रोटेट गाइस। अब ये कर रहे हैं हम रियल डेल्ट। ये गाइस देखिए, बिना वेट कर रहे हैं अभी हम, जस्ट वार्म अप कर रहे हैं। अब ये गाइस हम बैंड होके अच्छे से अब क्लॉक वाइज देन एंटी क्लॉक वाइज अपने शोल्डर को रोटेट करेंगे, क्योंकि आज हमारा वर्कआउट भी शोल्डर का है तो शोल्डर को अच्छे से वार्म अप करना ज़रूरी है। ये देखिए, क्लॉक वाइज देन एंटी क्लॉक वाइज। चलेगा जब शोल्डर के पुशअप लगाएंगे हम। ये गाइस ये देखिए, ये पीछे गए, अब पूरा गाइस आप देख सकते हैं कैसे पूरा शोल्डर रोटेट हो रहा है। ये देखिए ऊपर गए, अब कैसे आए गाइस, हम नॉर्मली हम उस अखाड़े में करते हैं। ये देखिए, इससे क्या हमारा पूरा शोल्डर रोटेट हो रहा है हमारे बॉडी वेट के साथ। तो हमें वार्म अप में हो चुकी है, स्ट्रेचिंग हो चुकी है, ताकि हमें एक्सरसाइज में कोई दिक्कत ना आए। तो साइज अब आते हैं अपनी फर्स्ट एक्सरसाइज के ऊपर, हाफ जर्क गाइज। अब आपने सुना होगा क्लीन एंड जर्क होती है गाइज, वो क्लीन एंड जर्क में क्या होता है, जब आप वेट को पूरा फ्लोर से उठाते हैं तो वो होती है क्लीन एंड जर्क। आप क्या कर रहे हैं, हम वेट को सिर्फ अपने नीचे ला रहे हैं यहाँ तक आपको सिर्फ गाइज। ये देखिए, इसलिए इसका नाम है हाफ जर्क। ये देखिए गाइज, ऑल द वे अप, ऑल द वे डाउन, देन दोबारा अप कर रहे हैं गाइज। में थोड़ा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि आप जब एक ही मोशन में कंटिन्यू ऊपर करते हैं थोड़ा ईजी हो जाता है। इसमें क्या कर रहे हैं, आप उसको नीचे लाते हैं, फिर एक प्रेशर दोबारा लिफ्ट करते हैं। ये देखिए, सो इसमें पूरे हाफ हल्के वेट में गाइस पूरा शोल्डर पे जोर आएगा आपके। ये देखिए गाइस, चलिएगा जब हम सेकेंड एक्सरसाइज के ऊपर वाइड ग्रिप करेंगे बिहाइंड द नेक गाइस। ये देखिए, सिर्फ आपको नेक तक ही लाना है, थोड़ा नेक से ऊपर ही बस। ये गाइस ये देखिए, वाइड ग्रिप करेंगे ऑल द वे डाउन एंड ऑल द वे अप। एंड गाइस, इसके साथ ही हम करेंगे अप रो। ये देखिए, अप राइट रो करेंगे इसके साथ ही हम। ये गाइस देखिए, बिना रेस्ट के। ये देखिए गाइस, नो रेस्ट है, बिहाइंड द नेक प्लस अप राइट रो एक साथ करनी है हमें। ये देखिए गाइस, आपके शोल्डर में ब्लास्ट होने वाला है। ये अभी एडवांस वर्कआउट है गाइस, तो आपके शोल्डर में ब्लास्ट होगा ही। चलेगा जाते हैं थर्ड एक्सरसाइज के ऊपर, चेस्ट सपोर्टेड इनक्लाइन बेंच के ऊपर गाइस, चेस्ट सपोर्टेड लैटरल रेज। इसमें क्या, आपकी चेस्ट को सपोर्ट मिल रहा है और आपकी पूरी बॉडी लॉक्ड है। आप अपने कहीं से भी झटका ही मार सकते हैं गाइस, आपके सिर्फ शोल्डर ही मूव कर सकते हैं, आपको शोल्डर पे ही प्रेशर आएगा। आपके लोअर बैक, आपकी लेग सब बेंच के ऊपर है। तो ये देखिए, सो गाइस आपका सिर्फ में सिर्फ शोल्डर पे ही आएगा। ये एक एडवांस वर्कआउट है गाइस, आप देख सकते हैं कैसे मैं लेग बेंड ऑल द वे अप ऑल द वे डाउन। ये देखिए गाइस, ऑल द वे अप ऑल द वे डाउन। चलिए गाइस, अब हम कर रहे हैं गाइस वॉल के साथ, गाइस वॉल स्पोर्ट के साथ फ्रंट रेज। एक हम गाइस प्लेट के साथ करेंगे, आप डंबल से भी कर सकते हैं, बाकी प्लेट की ग्रिप सही रहेगी गाइस इसके अंदर। इसमें क्या गाइस, आपकी पूरी बॉडी पीछे वॉल का सपोर्ट नहीं लग गई है, अब आप कहीं से भी सहारा नहीं ले सकते गाइस वेट में झटका मारने में। जब हम बिना सहारे खड़े होते हैं तो हमारे लोअर बैक हल्की ट्विस्ट होती है, तो हमको लिफ्ट में थोड़ा ईजी हो जाता है। आप देख सकते हैं हमें, मेरा हेड भी, पूरी बैक भी, पीछे के पूरे शोल्डर भी, लेग्स भी, पूरे वॉल के साथ सपोर्ट में है। तो गाइस इसमें आप झटका नहीं मार सकते, जो आपके जो भी प्रेशर है सिर्फ शोल्डर पे ही आएगा गाइस। ये हमारी फ्रंट की लेगा, ये देखिए, ये देखिए गाइस, बहुत डिफ़िकल्ट होने वाला गाइस, लगता है ईजी है बट गाइस बहुत डिफिकल्ट होने वाली है। और इसको अपने पूरे फेस तक लाना है गाइस, फेस से ऊपर मत लेके जाना, बस फेस तक ऊपर होल्ड
या नीचे स्लो डाउन गाइस, ये देखिए। चलिए गाइस हमारी लास्ट एक्सरसाइज है श्रग्स गाइस, हम पीछे से कर रहे हैं गाइस। ये गाइस देखिए प्लेट देखिए, और हमारी सिर्फ देख कर आप पीछे दिखा रहा हूँ गाइस, देखिए हमें अपनी पूरी बैक उठानी है, क्योंकि जो ट्रैपीरियस मसल हमारी जो ट्रैप्स बोलते हैं हमारी बैक की मसल तक जाती है। सो गाइस ये देखिए पूरी अपनी बैक भी उठानी है, और साथ में गाइस हमें फ्रंट में से भी करेंगे, इसे रेस्ट नहीं लेना, अभी हमने पीछे से करा है। ये देखिए गाइस ये अब हमने कर दिया सामने से, ऑल द वे अप एंड ऑल द वे डाउन, ऊपर होल्ड, नीचे स्लो, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, कंटिन्यू गाइस करते रहना है। एक ये देखिए पूरे पीछे बैक, जैसे फ्रंट से कर रहे हैं तो भी बैक उठानी, क्योंकि जो ट्रैप की मसल पीछे ही है गाइस, हमारी बैक की सबसे बड़ी मसल जाएगी गाइस ये। ये देखिए ऑल द वे अप होल्ड एंड स्लो डाउन। सो गाइस ये थी हमारी आज की लास्ट एक्सरसाइज, मिलते हैं अगले एक्सरसाइज में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, वीडियो पसंद आए तो वीडियो भी लाइक कर दो, चैनल पे नए आए तो वीडियो भी सब्सक्राइब कर दो, साथ में इस बेल आइकन को जाना मत भूलना, ताकि फ्यूचर में जब भी नई वीडियो अपलोड हो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाए। एंड गाइस आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सायनारा एंड राधे राधे।